अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो जनाब, सबको हो गया मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, वो भी इतनी सुहानी सुबह। बादलों ने आसमान को घेरा हुआ है हर तरफ से, और ये देखें हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो कि इस डिश के ऊपर नज़र आ रही, बाकी नज़र कहीं नहीं आ रही। और हवा बिल्कुल नहीं है, ठंड बिल्कुल नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है सुबह सुबह। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ आज सुबह सुबह का मंज़र। और नीचे जो लॉन बनाया हुआ है उसमें इतने प्यारे फूल आए हैं, ये देखें जी, बहुत ही प्यारे फूल। और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है आज। परिंदे बैठे हुए हैं, मज़ेदार सुबह सुबह का मौसम। अभी मैंने जाके बनाना है नाश्ता, चाय बन रही है और नाश्ता बनाना है, और फिर जो दिन की रूटीन होगी आपके साथ करूँगी शेयर। और आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ऊपर आ गई। मैंने कहा आपको प्यारे प्यारे से बादल दिखा के फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और फुल वॉच करना है और लाइक ज़रूर करके जाना है। तो चलते हैं, अभी नीचे बनाते हैं नाश्ता और फिर जो दिन की रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे बन रही है हमारी मज़ेदार सी इलायचियों वाली चाय, बन नहीं रही बल्कि बन चुकी है। यहाँ पे ये पराठा हो गया तैयार, और ये रात का कल का बचा हुआ सालन है, ये भी साथ गर्म कर लेंगे। और जी नाश्ता वगैरह हो गया, अभी धुल रहे हैं बर्तन और इसके बाद देखेंगे कि और कौन से काम रह गए हैं जो कुछ करने हैं, और जो भी काम होंगे यार आपसे शेयर करूंगी। और आज का मौसम है बहुत मज़ेदार बना हुआ, बादल हैं, बारिश की पेशेंट गोई थी लेकिन बारिश आई नहीं है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है लेकिन फिर स्टॉप हो गई है। तो जनाब बर्तन हमारे धुल चुके हैं, किचन हो गया साफ सुथरा, अभी मैं गूंदने लगी हूँ आटा। ये है जी आज की सारी सुबह से लेकर दोपहर तक मेरी रूटीन, नाश्ता वगैरह करके बर्तन धो के अभी आटा गूंद रही हूँ, अभी सालन भी बनाना है और अभी देखते हैं आज क्या बनेगा। और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश है, कहीं जा भी नहीं सकते, और घर बैठ के जो घर में है वही पकाएंगे और वही खाएंगे। तो बस आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो जनाब आटा हमारा गूंद चुका है, और साथ में मैंने रख दिया यहाँ पे सालन, प्याज ब्राउन करेंगे और बनाऊंगी आज मैं सफेद छोले का सालन। अभी बाहर चल के दिखाती हूँ आपको बारिश, जो कि हल्की हल्की, ये देखें जी हल्की हल्की शुरू हुई हुई है, यहाँ से नज़र ही नहीं आ रही, यहाँ आ रही, ये देखें गाड़ी के ऊपर आ रही है नज़र, ये देखें जी अब आपको नज़र आ रही होगी बारिश। तो जनाब मेरी मानो भी आ गई है, वो देखें ये भी म्याऊं म्याऊं करती हुई आ गई है। मैं सालन बना रही थी, फिर इसको मैंने दूध डाला और पराठे पड़े हुए थे वो डाले सुबह वाले, अभी आराम सुकून से खा रही है अपना खाना। मानो मानो गंदा बच्चा। तो जनाब हमारा सफ़ेद छोलों का सालन भी तकरीबन रेडी हो गया, और अब जोहर का टाइम हो गया, अपने अल्लाह को याद करेंगे, अपने रब को याद करेंगे, सबके लिए दुआएं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर बनाती हूँ रोटी। और रोटी खाने के बाद, बर्तन समेटने के बाद, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, आराम करती हूँ, थोड़ी कमर सीधी करती हूँ, और फिर वही शाम के काम शुरू हो जाते हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर असर हो जाती है, फिर थोड़ी देर छत पर जाती हूँ, फिर मेरी मानो बिल्ली आ जाती है, कभी कभी उससे बातें करती हूँ, गप्पे लगाती हूँ, और फिर जो शाम के काम होते हैं वो करती हूँ,
तो अभी जनाब खा ये हो गया रेडी सालन, अभी रोटियां बनाते हैं। तो जी यहाँ पे रोटियां भी मैं बना रही हूँ और हम लोग अब रोटी बना के हम रोटी खाते हैं और आपको करते हैं आपसे लेते हैं इजाज़त। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखा कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। बस आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें जैसे पहले करते रहते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें। सालन बन गया, बस रोटी भी बनने वाली है। तो ठीक है जी, आज कितनी वीडियो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।